एवरीवन, मैं रोहित शर्मा आप सभी के साथ फिर से जुड़ चुका हूँ। आप लोगों ने बोला था कि रोहित भाई अपनी रीसेलिंग जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए हमें कि आपकी रीसेलिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या हुआ, पूरी डिटेल में आप थोड़ा हमें बताइए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बना दी जाए। तो दोस्तों, समय था जब रीसेलिंग में मीशो था, केवल केवल मीशो आया था सबसे पहले, और प्लेटफॉर्म होंगे तो उनका इतना नाम नहीं था, तो मैं भी नहीं जानता था उनके बारे में, तो केवल मीशो के बारे में जानता था। तो एक दिन मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पर और मेरे को पता चला कि यार रीसेलिंग भी कर सकते हैं, अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से दूसरों के प्रोडक्ट को सेल करा के अपना मार्जिन ऐड करके जितना भी हम चाहें उतना ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सोचा भाई ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे तो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये थी कि मेरे पास नेटवर्क था, क्योंकि मेरा चैनल चल रहा था उस टाइम पे यूट्यूब चैनल, लेकिन उस टाइम पर ये मीशो वगैरह में रेफर एंड अर्न का ऑप्शन नहीं आता था। तो मैंने स्टार्टिंग में रीसेलिंग ही स्टार्ट की। तो उस टाइम पे क्या था कि मैंने क्या किया कि एक वीडियो बना दी अपने यूट्यूब चैनल पर कि अगर कोई बंदा आप कुर्तीज वगैरह या साड़ीज वगैरह या लेडीज गारमेंट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया था मैंने, और उससे मेरे को कांटेक्ट कर सकता है और अच्छी रेट में हमसे खरीद सकते हैं। आपको बता दूं, जब मीशो आया था ना तो लेडीज गारमेंट के प्रोडक्ट ज़्यादा थे, वैसे मेन्स गारमेंट के बहुत कम थे, लेडीज गारमेंट के ज़्यादा थे। तो मैंने वहाँ पर नंबर दे दिया, तो मेरे यूट्यूब पर वो वीडियो हो गई वायरल। अब बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करने लगे कि रोहित भाई हमें भी मतलब प्रोडक्ट भेजो, हम भी खरीदना चाह रहे हैं। बहुत सारे रिटेलर आ गए, बहुत सारे लोग मेरे से कनेक्ट हो गए। मैंने क्या किया, उनको एक ग्रुप में डाल दिया। ग्रुप में डालने के बाद मैं उनको मीशो के प्रोडक्ट शेयर करता और अपना मार्जिन ऐड करके उनको रेट बता देता, तो मेरे को वहाँ से ऑर्डर आने लगे थोड़े बहुत। उसके बाद मैंने क्या किया, ये ब्रॉडकास्ट और बना दी, क्योंकि देखो जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बनता है उसमें 256 लोग आते हैं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे लोग आने लगे। तो मैंने क्या किया, ब्रॉडकास्ट बना दी, और ब्रॉडकास्ट बनाते गया 3-4 ब्रॉडकास्ट, और उन सभी में मैं शेयर करते गया। अब मैंने क्या किया, आगे मैंने हर कैटेगरी की ब्रॉडकास्ट अलग अलग बना दी कि जिसको साड़ी चाहिए उसके साड़ी वाली ब्रॉडकास्ट बना दी, किसी को पैंट चाहिए तो पैंट वाली, शर्ट चाहिए शर्ट वाली, ऐसे 7-8 ब्रॉडकास्ट बना दी, और उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट उसी ब्रॉडकास्ट में मैं शेयर करता जो व्हाट्सएप पे मैंने ब्रॉडकास्ट बनाई। अब भाई मेरे को वहाँ से बहुत ही अच्छा रिटर्न आने लगा। अब एक दिक्कत आने लगी कि मेरे को कॉल बहुत आते थे, जैसे मेरे पे 700-800 कस्टमर हो गए और व्हाट्सएप पे मेरे, तो वो कॉल पे कॉल मैं शेयर ही नहीं कर पा रहा। और कभी कभी क्या होता कि इतने लोगों को जब मैं यहाँ फोटो शेयर करता तो मेरा व्हाट्सएप हैंग होने लगता, मेरा हो गया दिमाग खराब, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ तो कर। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया ना, एक तो मेरा काम भी बंद हो गया था क्योंकि व्हाट्सएप पे इतने फोटो शेयर नहीं हो पा रहे थे, व्हाट्सएप हैंग हो रहा था बार बार, और दूसरा बार बार कोई ना कोई कॉल करता तो उसमें भी दिक्कत आती, तो मेरा दिमाग खराब। मैंने क्या किया, मैंने अपने रिलेटिव है मेरे एक भैया, मतलब मेरा कजिन है, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने भाई तू अगर देख तू अभी जॉब तो कर नहीं रहा है, तेरे को काम करना है, तेरे को कस्टमर भी मैं दे दूंगा और प्लेटफॉर्म भी मैं दे दूंगा। वो बड़ा खुश हो गया, उसने बोला अरे ये तो बहुत अच्छा है, बिजनेस आइडिया बता दिया, मैंने पूरा मीशो का समझा दिया, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट सेल कर देना, और अपने सभी कस्टमरों को उनका नंबर दे दिया कि उनसे कॉन्टैक्ट करो। मैंने ये काम छोड़ दिया और दूसरे बंदा है जो मैंने अपने कजिन का नंबर दे के सारे कस्टमर उधर ट्रांसफ़र कर दिए। 10 दिन उसने काम किया, 10 दिन के बाद वो भी परेशान आ गया कि भाई ये लेडीज फ़ोन करती हैं, कितनी क्वेरी आती हैं कि भाई ये प्रोडक्ट कैसा है, क्वालिटी कैसी है, रेट कैसे हैं, कम कर लो, ये कर लो, फ़ोन करके वो भी परेशान हो गया। 15 दिन बाद मेरे को फ़ोन आता है उसका कि रोहित भाई कहाँ पे फंसा दिया तूने में, और इसमें तो भाई दिमाग माता बच्ची इतनी है, 20 रुपये एक प्रोडक्ट में बचाता हूँ और 100 रुपये का वो दिमाग खा जाते हैं, तो इसमें मेरे को फ़ायदा नहीं, कस्टमर बहुत है, ऑर्डर भी बहुत आएंगे पर क्वेरी बहुत आती हैं, तो बड़े परेशान। उसने भी 15-20 दिन चलाया पर 15-20 दिन बाद उसने छोड़ दिया, लेकिन 15-20 दिन के अंदर जो उसने पैसे कमाए 15-20 हज़ार रुपये के समथिंग उसने कमाए, वो आए उसके कम से कम 25-30 दिन बाद, मतलब टोटल 25 दिन, मतलब काम छोड़ने के 5-6 दिन बाद उसके पैसे आ गए। फिर उसे लालच आ गया कि भाई मैंने 15 दिन के अंदर 20 हज़ार कमा लिए, ऐसे लगातार अच्छे से काम करूंगा तो 40 हज़ार रुपये महीने की कमाई हो जाएगी, 45-45 हज़ार रुपये, ये तो बहुत अच्छा है घर बैठे कमाना, माता बच्ची तो जॉब में भी होगी, कोई 20 हज़ार देगा तो जाने कितनी सुनाएगा। तो उसने क्या किया, दोबारा से वो काम अपना स्टार्ट कर दिया।
अब हुआ कि 2 महीने बाद जब मैं उस बंदे से मिला तो उसने दिखाया कि देख मैंने 80,000 रुपये कमा लिए। अब भाई मेरा दिमाग ख़राब, मैंने ये क्या, मेरे सारे कस्टमर, मेरा सब कुछ और पैसे दूसरा कमा रहा है। तो मैंने वो सोचा कि नहीं भाई, अब मैं ही कमाऊँगा, मैं भी अपना रीसेलिंग बिजनेस स्टार्ट करूँगा। तो मैंने क्या किया, दोबारा से मैंने अपना काम चालू कर दिया, पर उसके कस्टमरों जो मैंने उसको कस्टमर दिए थे उनसे कुछ नहीं बोला। मैंने नए कस्टमर बनाए, वो सारी ब्रॉडकास्ट पुरानी वाली डिलीट कर दी और नए कस्टमरों के साथ रीसेलिंग की। अब मैं रीसेलिंग कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा था कि भाई मैं बार बार फोटो शेयर करता हूँ, व्हाट्सएप हैंग होता है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल सकता है क्या जिससे ऑटोमेटिक लोग खरीद सके। तो मैंने देखा सर, रिसर्च की, तो मेरे को मिल गया शॉप 101 शायद, सॉरी उससे पहले मेरे को बूपलर मिल गया था। तो मैंने क्या किया, बूपलर पर अपना अकाउंट बनाया और बूपलर के लिंक में भेजने लगा। अब मेरी अच्छी सेल हो रही, लेकिन बूपलर के प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो लोग कम खरीदते थे और पर खरीद रहे थे ये मान लो। तो वहाँ से मेरी अच्छी चली, फिर मैं शॉप 101 के बारे में बताने लगा। तो जैसे मैंने मीशो पे अच्छा इतना कमाया, अच्छा काम किया, तो मीशो ने मेरे कुछ पैसे की गड़बड़ कर दी। तो उसके बाद मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि यार रीसेलिंग बेकार है, मेरे पैसे डूब गए, ये हो गया वो हो गया, इतनी मेहनत की और इतना पैसा कमाया और सारे डूब गए। तो मैंने एक काम किया, मैंने यार पैसे तो चले गए, कोई नहीं चले जाने दो, और मैं क्या करता हूँ कि मीशो से बात करता हूँ। तो मीशो से बात की, मीशो ने मेरी नहीं सुनी, तो मैंने मीशो की एक वीडियो बना दी पूरी, रिकॉर्डिंग प्रूफ बना के 90 मिनट की वीडियो बना के मैंने डाल दी अपने एक नया चैनल, एक मेरा चैनल था रियल रिव्यू के नाम से पहले का ही, तो उस पर 4-5 वीडियो थी वैसे ही एप्लीकेशन के रिव्यू की, पर ऐसे चैनल चल नहीं रहा था, 100-200 व्यूअर होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो जैसे ही मैंने मीशो की वीडियो डाली कि मीशो ने लूटे मेरे 2,75,000 रुपये, ये टाइटल डाला था, थंबनेल भी यही थी, तो वो वीडियो हो गई वायरल भाई, बड़ी वीडियो थी और YouTube ने मेरे चैनल को कर दिया मोनेटाइज एडवर्टाइजमेंट से, मेरे को YouTube चैनल 2 बन गए उस टाइम पे। मतलब पहले एक तो मेरा था ही हेल्पर क्लब से, अब जब मैंने मीशो के फ्रॉड वाली वीडियो डाली तो वो मेरा चैनल भी अच्छे से चल गया। अब मैं समझ गया कोई वीडियो नहीं चल रही उस पर, केवल एक ही वीडियो चल रही है मीशो वाली, तो मैं समझ गया कि भाई इस चैनल पर बस रीसेलिंग से रिलेटेड वीडियो चलेंगी। तो मैंने रीसेलिंग से ही रिलेटेड सारी वीडियो डालना स्टार्ट किया, तो बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आया। तो मैंने अभी वो चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ उस चैनल पर, तो इसलिए भी वो अच्छा चल रहा है। अब मैंने क्या किया, लोगों को गाइड करना स्टार्ट कर दिया। मेरे को बहुत टाइम हो गया था रीसेलिंग में काम करते करते, अब मैंने कि दूसरे लोगों को सिखाऊं कि कैसे रीसेलिंग में सक्सेस हुआ जा सकता है। तो जॉब से फिर मैंने रीसेलिंग पर थोड़ा कम फोकस करके अपने चैनल वगैरह पर फोकस किया और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया कि क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट रीसेल कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है रीसेलिंग प्लेटफॉर्म जो कि भरोसेमंद है, जब से मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की। तो उसके बाद हुआ क्या कि भाई मीशो ने जब तो नहीं सुनी, पर जब वीडियो बन गई उसके बारे में और वो वीडियो वायरल हो गई, फिर मीशो मेरे से बोलने लगा कि आप वीडियो डिलीट कर दीजिए, हम आपका पेमेंट रिटर्न कर देंगे। मैंने सोचा यार पैसे वापस मिल रहे हैं तो अच्छा है चलो, और पैसे भी ज़्यादा थे तो 1,56,000 रुपये उन्होंने मेरे को वापस कर दिए। तो जब मेरे पैसा वापस आ गया तो मैंने क्या किया, वीडियो तो डिलीट नहीं मारी और पैसे ले लिए, क्योंकि मेरे 2,75,000 रुपये फंसे थे, बाकी के पैसे उन्होंने नहीं दिए। मैंने बोला आप बाकी के पैसे भी दो तब वीडियो उठाई जाएगी, नहीं तो मैं वीडियो नहीं उठाऊंगा। तो जब से अब तक वीडियो भी नहीं उठी और रीसेलिंग का पूरा ऐसे ही करियर चला मेरा, और अब आके रीसेलिंग को मैंने फाइनली कम कर दिया, बंद तो अभी भी नहीं किया लेकिन कम कर दिया है, और क्योंकि मेरे पे और भी बहुत सारे काम हैं उन्हें भी करता हूँ। तो रीसेलिंग में मैं इतना माथापच्ची नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि रीसेलिंग में आपको मेनली टाइम देना ज़रूरी है। तो इसलिए मेरा रीसेलिंग का सफ़र चला और अभी दूसरों को गाइड करता हूँ रीसेलिंग की और अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ, प्रूफ वगैरह मैं दिखाते रहता हूँ जब भी मेरे को टाइम मिलता है। तो बस यही था, यही थी स्टोरी जो आप जानना चाह रहे थे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।